Student, today I teach you next topic of solid state, crystal lattices, lattice point and unit cell. First point, lattice point. देखो ये lattice point क्या होता है? लैटिस पॉइंट जो है ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे से अटैच होते हैं और क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं तो ये कहलाते हैं लैटिस पॉइंट। ये लैटिस पॉइंट है, क्लियर है? ठीक है, ईच पॉइंट ऑफ ए लैटिस, क्लियर, ईच पॉइंट ऑफ ए लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, क्लियर। तो ये लैटिस पॉइंट हो गया। Each point of lattice is called lattice point. दूसरा टॉपिक आता है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिसेस, या इसे कह सकते हैं क्रिस्टल लैटिसेस या क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में पॉइंट आपका यह आता है कि द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ ए कंपोनेंट पार्टिकल, द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद एक पॉइंट आता है यूनिट सेल। मैं आपको लैटिस पॉइंट स्पेस लैटिस और यूनिट सेल तीनों के बारे में दिखाता हूं।
ये लैटिस पॉइंट हमने ऐसे ऐड किया, इस तरह से लैटिस अगर बनी तो इसमें जो यूनिट सेल यानी जिसके रिपीट होने से क्रिस्टल लैटिस का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन हो, उसी को हम कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल में होता है कि द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव या रिपीटेटिव यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल, द स्मॉलेस्ट पोर्शन कह सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पोर्शन रिपीटेटिव ऑफ ए क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो स्ट्रेट लाइन में जुड़ करके क्रिस्टल का फॉर्मेशन करें, स्पेस लैटिस द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटिंग ऑफ दिस पोर्शन और दिस स्मॉलेस्ट पोर्शन इज कॉल्ड यूनिट सेल। जैसे हमारी बॉडी में सेल है, सेल के रिपीट होने से आप कहते हैं कि इसके डिवीजन से, यानी वैसी ही सेलें जुड़ करके आर्गन टिश्यू इस तरह से बनते हैं, बॉडी बनती है। सेम वही बात है यूनिट सेल की कि जो स्मॉलेस्ट पोर्शन रिपीट होकर के क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करे या स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन करे, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। ये यूनिट सेल जो होती है, ये यूनिट सेल, यूनिट सेल आर टू टाइप्स। जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम अगर नोट्स बनाने में है तो जो जो पॉइंट हम आपको नोट कराते हैं उन पॉइंट्स को नोट करते जाइए। द स्मॉलेस्ट पोर्शन रिपीटेटिव इन ए क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल, इसे आप यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल आर टू टाइप्स, यूनिट सेल टू टाइप्स की होती है। नंबर वन, एक होती है आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम नॉर्मल यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल बोल सकते हैं। प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल का मतलब यह हुआ कि लैटिस पॉइंट आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर। जैसे आपने ये क्यूब लिया, जब यहां पे केवल कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो तो इसे कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर? जैसे इसे कह सकते हैं
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये आपका हो गया। दूसरे नंबर पर जो पॉइंट आता है बी, यानी इसका सेकेंड टाइप, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल की मीनिंग होती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड अनदर प्लेस, यानी कॉर्नर के साथ साथ दूसरे जगह पर भी प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। ये सेंटर्ड यूनिट सेल कितने टाइप की, अब ये सेंटर्ड भी, इसमें भी टाइप्स है। इसमें फर्स्ट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब ये सेंटर्ड की है। कैसे पता देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए यूनिट सेल, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें कॉर्नर पे हैं, पार्टिकल कॉर्नर पे हैं, साथ में ये कॉर्नर पे हैं और बॉडी यानी इसके अंदर भी एक पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो इसका मतलब कि कॉर्नर पर भी है और एक अंदर भी है, तो ये सेंटर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि कॉर्नर पर केवल अगर होगा तब तो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाएगा। दूसरा इसमें पॉइंट आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड, जैसे हम अगर माचिस को ही लें या इस डस्टर को ही ऐसे ले लें, ये मान लीजिए यहां तक का ही पोर्शन ले, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। इसकी फेस देखिए, एक इस साइड, एक ये, एक ये, एक यहां, एक यहां, और एक इस साइड रहेगा, यहां पे रहेगा ना, ठीक है। तो टोटल कितनी फेस हो गई, सिक्स, 1 2 3 4 5 6, सिक्स फेसेस हैं। तो अब जरा यहां देखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज ईच फेसेस, सभी फेस पे, यानी ये ऊपर की फेस, एक साइड की फेस, दूसरे साइड की फेस, लोअर की फेस, और ये फ्रंट की और ये बैक की, यानी फ्रंट अगर इधर मानते हैं तो इसके पीछे की, तो टोटल ये सिक्स फेस, यानी सिक्स फेस पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है विद कॉर्नर, कॉर्नर के साथ, तो उसे हम कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें थर्ड पॉइंट आता है आपका, थर्ड यानी फर्स्ट बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और ये थर्ड पे आता है एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड टू अपोजिट फेसेस, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहां प्रेजेंट है और साथ में किसी भी टू अपोजिट फेस पे, देखिए एक यहां पर पाया जाए और इसके अपोजिट यहां, आप चाहें तो अगर यहां नहीं आप लिखना चाहते तो इस साइड हो, इस साइड हो, या आपका फ्रंट पे और बैक में हो,
यानी टू अपोजिट फेसेस, तो इसे हम लोग कहते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट, एक हमने इसमें पॉइंट छोड़ दिया है, वो था मेजरमेंट ऑफ यूनिट सेल यानी पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड में ये पूछा जा चुका है कि विच पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के कौन से पैरामीटर्स हैं। तो देखिए हम लोग जो भी यूनिट सेल पढ़े सभी क्यूबिक हैं, चाहे वो बॉडी सेंटर्ड हो, फेस सेंटर्ड हो, इंट सेंटर्ड हो, सिंपल क्यूबिक है सब में। तो ये यहां पर एक पॉइंट हम बता देते हैं कि पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं। इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एक हम क्यूब बनाए तो इसमें आप देखेंगे कि पहला मीटर पैरामीटर होता है एड्स लेंथ, लेंथ ब्रिथ हाइट यानी एड्स लिखें केवल ए बी एंड सी, ये लेंथ ब्रिथ हाइट। और सेकेंड पे होता है जैसे आप यहां से एंगल, और ये एंगल होता है अल्फा बीटा एंड गामा। ये केवल दो पैरामीटर्स यानी एड्स लेंथ, एड्स की बात और एक एंगल की बात, ये दो ही पैरामीटर्स होते हैं यूनिट सेल में। अब आप लोग जब एनसीईआरटी बुक को देखेंगे तो उसमें ब्रेवियस लैटिसेस की बात की हुई है, टोटल ब्रेवियस लैटिसेस जो होते हैं वो 14 होते हैं, और उसमें आप चार्ट में केवल वहां पर एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया है जिसमें आप देखेंगे कि लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल नहीं है या इक्वल है, किसी में एंगल अल्फा बीटा 90 है, गामा इक्वल नहीं है 120 है, इस तरह से करके, यानी कि कुल मिलाकर के यूनिट सेल क्यूबिक हो सकता है, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है, ठीक है, मोनोक्लाइनिकल हो सकता है, तो ये सब। तो इस तरह से उसमें टोटल यूनिट सेल 14 बनी हुई हैं, उसमें आपको बहुत कुछ नोट नहीं, केवल आपको वो चार्ट नोट कर लेना है कि किसमें अल्फा बीटा गामा ए बी सी लेंथ किसमें कैसा होगा। अब इसके बाद पॉइंट आता है नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। इसमें हम लोगों को ये बताना है कि हर यूनिट सेल में, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, बॉडी सेंटर्ड हो, फेस सेंटर्ड हो, एंड सेंटर्ड हो, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ईच यूनिट सेल। जैसे फर्स्ट पॉइंट, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, अगर हम लोग इसमें देखें, जैसे आपने एक क्यूब लिया
इसे ध्यान से समझिए, नहीं तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये आपके पार्टिकल हैं, ऐसे दिखने में तो आपको लगेगा कि ये एट दिख रहे हैं, लेकिन एट ऐसे ना सोचिए। आप जिस रूम में, जिस कमरे में बैठे हैं, उसमें आप देखिए तो टोटल आपके एट कॉर्नर्स हैं। और केवल आप ये सोचिए कि एक क्यूब का ये कॉर्नर, जैसे हम ये केवल मान लें कि किसी एक कॉर्नर पर फुटबॉल जैसा एक एटम प्रेजेंट है, ये अगर इस तरह से फुटबॉल जैसा एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो फिर आप देखेंगे तो इस कॉर्नर पे भी आप चाहें तो एक क्यूब अपोजिट में लगा सकते हैं इसके पीछे। तो ये हो गया मान लीजिए फर्स्ट क्यूब, ये हो गया आपका सेकेंड। अब आप चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं इस तरह से क्यूब, ये हो गया थर्ड। ऐसे आप लगाएं तो ये हो गया आपका फोर्थ। तो इसका मतलब कि अगर एक बॉल है तो आप इस बॉल में अगर एक तरफ से ये क्यूब ऐसे लगा रहे हैं तो इसके अपोजिट इधर से भी लगा सकते हैं, इधर से, इधर से, यानी चार साइड से। और चारों कॉर्नर्स पे आपको स्पेस बचेगा जहां पे आप क्यूब लगा सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर ये ऐसा है, ये सेंटर है, तो आपने कहा कि क्यूब अगर ऐसे लगा तो इस तरह से, तो ये वन टू, ये थ्री, ये फोर, ये चार साइड हो गई। तो फिर ये आपके चार कॉर्नर हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि कोई एक बड़ा सा अगर एटम या पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो इस एटम का ये 1/8 पार्ट ही इस क्यूब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि 1/8 ईच कॉर्नर, तो टोटल इस क्यूब में एट कॉर्नर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो गया वन। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एटम वन हो गया। अब इसी तरह से सेम पॉइंट अगर आप देखें बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, अगर बीसीसी में आप देखें तो ये कॉर्नर्स के लिए आप जानते हैं कि 1/8 × 8 = 1, और बॉडी सेंटर्ड यानी बीच में एक है तो आप कहेंगे एक और, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम टू, ये प्रेजेंट इन सेंटर, ये सेंटर में प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है। तीसरे नंबर पर अगर बात करें एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अगर आप बनाते हैं ये आपके कॉर्नर के हो गए, और हर फेस पे एक एक होंगे, तो ध्यान रहे
कि हर फेस पे अगर एक एक होंगे, तो अब जरा यहां देखिएगा, कॉर्नर 1/8 × 8 = 1। अब आइए फेस के लिए जरा हम बताएं आपको कि अगर ये फेस है, इस फेस पे अगर एक एटम है, तो कोई और क्यूब की एक फेस ऐसे लगाई जा सकती है। तो अगर ऐसे लगा दी जाएगी, दूसरा कोई फेस ऐसे लग सकता है। अरे भाई, यही आधा आपने आधा किया, ये एक क्यूबिक हो गया, ये एक क्यूबिक हो गया। आप इस फेस पे अगर एक एटम रखते हैं, तो कोई दूसरा क्यूब इसमें जुड़ सकता है फेस उसकी। इसका मतलब कि किसी अगर फेस पर एटम है, पार्टिकल है, तो वो आधा इस क्यूब के लिए रिस्पांसिबल होगा, और दूसरा अगर मान लो यही क्यूब है, तो आधा इस क्यूब के लिए रिस्पांसिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एट फेस, फेस के बेस पर देखें तो 1/2, और टोटल फेस कितनी, 6, तो ये 3। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 4। टोटल एटम्स ये 4 हो गए। एफसीसी में, बीसीसी में 2, सिंपल क्यूबिक में 1, और सेम इसी तरह का आपका फोर्थ है एंड सेंटर्ड ईसीसी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सेल में ध्यान रहे, हम लोग यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इंड सेंटर्ड में आप कर सकते हैं कि 1/8 × 8 = 1, और इसमें किसी दो फेस पर, तो इस फेस पर तो एक क्यूब इधर लग सकता है, इस फेस पर एक क्यूब इधर लग सकता है, तो इसे कर सकते हैं कि 1/2 × 2, तो ये हो गया 1। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें कितने हो गए, 2। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट आपका कैलकुलेट हो गया कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे। अब आइए, ये पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, अब इसे हम इरेज करें। क्लियर, देखिए पॉइंट आता है क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में आपको बहुत कुछ पॉइंट्स नहीं पढ़ना है। इसमें देखिए 3 शॉर्टकट मेथड पढ़िए, एक वन डायमेंशनल, एक आप पढ़िए 2 डायमेंशनल, और एक 3 डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का मतलब कि ये एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे लगेंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे। इसमें आपसे पूछा जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हुआ नंबर ऑफ एटम आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट अराउंड द ईच पार्टिकल। तो अगर आपने ये एटम लिया, इसके अराउंड देखिए तो जो ये दो अटैच हैं, तो इसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्लियर,
टू डायमेंशनल में आइए, मान लीजिए कि ये अरेंजमेंट आपका ए टाइप का है। टू डायमेंशनल में आइए, इसमें दो अरेंजमेंट आपको मिलेंगे, एक ये ए टाइप का अरेंजमेंट है, इसी में आप बिल्कुल उसके ठीक लोअर साइड में ए टाइप का अरेंजमेंट लगाइए। ये तीनों ए टाइप के ही अरेंजमेंट हैं। अगर आपने देखा कि तीनों अगर ए टाइप के अरेंजमेंट हैं तो ये आप देखेंगे कि इसके अराउंड चार ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या एटम हैं जो एक दूसरे से अटैच हैं, इसीलिए स्क्वायर बना। तो इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका फोर होगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग कब बनेगी? जब ए ए टाइप का अरेंजमेंट होगा, ठीक है, सभी सिमिलर। अब देखिए बी में ये अरेंजमेंट जरा देखिए, नहीं बी में ये कि अगर ये ए टाइप का है तो ये बी टाइप का अरेंजमेंट करिए, यानी उनके ये गैपिंग्स, ये फिर ये ए टाइप का अरेंजमेंट होना चाहिए। अब अगर यहां पे आप देखेंगे तो देखिए ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है या क्लोज पैकिंग इन 2D। 3D को रिप्रेजेंट करना यहां पर थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें भी आप समझिए कि ये HCP और एक आपका CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये। लेकिन एक बात यहां पर बिल्कुल ध्यान देना है कि ये वर्ड जब कभी भी आएगा HCP CCP तो आप तुरंत समझिएगा कि ये FCC के ही इसके यूनिट सेल FCC है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, 4। यानी कभी भी न्यूमेरिकल हम कराएंगे तो इसमें HCP और CCP वर्ड आएंगे, ये थ्री डायमेंशनल के, जिसमें FCC यूनिट सेल होगी और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोग कितने रखेंगे, 4। तो आज ये पॉइंट हम यहां तक पढ़ाते हैं आपको, फिर जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो में पैकिंग इफिशियंसी, डेंसिटी, ये पॉइंट न्यूमेरिकल का पॉइंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नंबर ऑफ वायड्स, यानी वायड और नंबर ऑफ वायड इन क्रिस्टल लैटिस, ये तीनों न्यूमेरिकल के पॉइंट हैं, तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक, थैंक यू।